वहीं कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार किसानों के साथ क्रूरता व्यवहार कर रही है, किसानों पर पानी की बौछार की जा रही है और सरकार किसानों से बातचीत भी नहीं कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार कृषि कानून वापस ले। ज्यादा जानकारी के लिए सुनिए हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने किसान आंदोलन को लेकर किसान के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया से खास बातचीत की है। सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है और किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया साहब। पुनिया साहब, आपने भी देखा कि पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं और अब पूरे देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्या रवैया है सरकार का? देखिए, सरकार जो किसान दिल्ली आ रहे हैं सिर्फ अपनी बात कहने के लिए कि जो किसान विरोधी कानून बने हैं इनको वापस ले लिया जाए, लेकिन उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जैसे कि बॉर्डर के ऊपर दुश्मनों के साथ कटीले तार और रात को ठंड में वाटर कैनन से उनको परेशान करना, बड़े बड़े बोल्डर्स सड़क के ऊपर लगा के, ये दुश्मनों जैसा व्यवहार जो किया है अन्नदाता के लिए वो अच्छा नहीं किया, इसको पालन को अच्छा नहीं लगेगा। कांग्रेस पार्टी पहले भी से कहती रही है कि जो किसानों के संबंधित कानून है इसको वापस लेना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी आज भी यही मांग करती है? कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करती है, पूरे हिंदुस्तान भर में समर्थन किया है और हम मांग करते हैं, जो किसानों की मांग है कि जो तीनों किसान विरोधी कानून है उसको तत्काल वापस किया जाए। समर्थन मूल्य को लेकर 3 तारीख को मुलाकात की बात कही जा रही है, लेकिन किसान तो अभी आंदोलन कर रहे हैं, फिर 3 तारीख का समय क्यों दिया जाए? देखिए, समय रहते हुए इन्होंने किया नहीं, बात नहीं की नहीं। किसान जो संगठन है निरंतर वो कह रहे थे कि भाई हमको समय दीजिए, बात करना चाहते हैं, उन्होंने बात करने का समय नहीं दिया। अब वो चल पड़े हैं अपने कार्यक्रम में, तो अपने कार्यक्रम पूरा करने दीजिए और फिर तिथि भी निर्धारित करें और उसके साथ साथ ये भी कहें कि हाँ।